नमस्कार जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी, आतंकियों की गोलीबारी में दो जवान घायल। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हुआ वाल्मीकि कॉरपोरेशन के धन का उपयोग, खरीदी गई शराब और वाहन, ईडी का बड़ा खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, सीबीआई ने पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया, इनका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा, कांग्रेस सत्ता में आने का सपना देखना बंद करे, इस बार बिल्ली के भाग्य से छीका क्या, पूरा बर्तन भी नहीं टूटेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिर दिखाया आईना, खुली बहस में कहा सुधार पर वार्ता के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कर्नाटक सरकार का यू टर्न, निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए कोटा संबंधी विधेयक पर रोक लगाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसराइल हमास युद्ध पर जोरदार रुख अपनाते हुए तुरंत बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम की मांग की, फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण समाधान पर प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही बताया कि भारत UNRWA को 2018 से हर साल $50 लाख का योगदान दे रहा है। शरद गुट बोला, भाजपा चाहती है कि अजीत महायुक्ति छोड़े, RSS की मैगजीन का हवाला देते हुए कहा NCP के कारण जनता BJP के खिलाफ हुई। यूपी में कावड़ यात्रा, सीएम योगी ने दिए आदेश, कावड़ियों को मिलेगी सिकंजी, फूलों से होगा स्वागत, ड्रोन से होगी निगरानी, पेयजल की विशेष व्यवस्था। हरियाणा में कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के घर पर ईडी का छापा, बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में कई ठिकानों पर हो रही तलाश। सरासर झूठ बोल रहे हैं हेमंत शर्मा, असम CM के 40% मुसलमान के आंकड़े पर भड़की TMC सांसद सुष्मिता देव। नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी ममता सरकार, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 7 सदस्यों का पैनल गठित। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। सो लाओ सरकार बनाओ, केशव प्रसाद का नाम लिए बिना अखिलेश यादव का खुला ऑफर। छत्तीसगढ़ में 2 जवान शहीद, 4 घायल। बीजापुर के त्रेरम में IED ब्लास्ट हुआ, एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। बजट में PLI स्कीम पर रह सकता है जोर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है और भी कई ऐलान। एस जयशंकर ने मॉरिशस में मेडिक्लिनिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, इसे भारत की सहायता से शुरू किया गया, जयशंकर ने कहा भारत का साथ दुनिया के लिए भरोसे का प्रतीक। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कोरोना पॉजिटिव, एक दिन पहले इंटरव्यू में कहा था अनफिट हुआ तो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो जाऊंगा। मोहर्रम जुलूस में देश विरोधी साजिश, बिहार के बाद MP में लहराया फिलिस्तीनी झंडा, बजरंग दल ने दी चेतावनी। 4 दिन बाद फिर खोला गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, मूल्यवान चीजों को स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने चंपई सोरेन की तारीफ करते हुए हेमंत सोरेन पर बम फोड़ा, कहा कि चंपई का पॉलिटिकल मर्डर किया गया, हेमंत सोरेन पर CM पद से हटाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने UP पुलिस पर आरोप लगाया कि कावड़ यात्रा के दौरान मुसलमान दुकानों से खरीदारी रोकने के लिए दुकानों पर नाम का बोर्ड लगाने का आदेश दिया गया, इसे उन्होंने अपार्थाइड और जुडेन बायकॉट जैसा करार दिया। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने इसे सरकार की प्रायोजित कट्टरता बताया, वहीं पुलिस के फरमान को अखिलेश ने बताया सामाजिक अपराध, बोले कोर्ट संज्ञान ले और कार्यवाही करे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिशन इंद्रधनुष की सफलता को ढोंग बताते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया, उन्होंने PM केयर फंड को दिखावे का पाप करार दिया और दावा किया कि 2023 में 16 लाख बच्चों को टीके से वंचित रखा गया, जिससे देश का भविष्य खतरे में है। डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम ने PM मोदी से मुलाकात कर उनकी किताब पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पर हस्ताक्षर कराए। पुस्तक मोदी की नेतृत्व यात्रा को दर्शाती है और सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों के लिए रोड मैप प्रदान करती है। मुहर्रम के जुलूस में कई जगह लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, श्रीनगर में UAPF के तहत केस दर्ज, बिहार में आपस में भिड़े 6 अखाड़े। ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2024 में 3 भारतीय छात्रों ने टॉप 50 में जगह बनाकर देश का नाम रोशन किया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में $1 लाख की इनामी राशि मिलती है। 176 देशों के 11,000 से ज्यादा आवेदनों के बीच इन छात्रों की उपलब्धि ने सबका ध्यान खींचा। शीर्ष 10 की घोषणा सितंबर में होने वाली है, जिससे उत्साह और बढ़ गया है। रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि मॉस्को के साथ ऊर्जा संबंधों के कारण भारत पर दबाव बनाना अनुचित है। उन्होंने भारत को महान शक्ति बताया जो अपने राष्ट्रीय हित और भागीदार खुद चुनता है, पश्चिम का भारत पर दबाव डालना पूरी तरह से अनुचित है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की अफवाहें बढ़ी जब ऐश्वर्या अनंत राधिका की शादी में अकेली नजर आई। अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर तलाक से जुड़ा एक पोस्ट लाइक किया, जिससे अफवाहें तेज हो गई
सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींचते हुए कुछ इसे सामान्य लाइक मानते हैं तो कुछ रिश्ते में दरार का संकेत। DMSRDI ने नया 2 किलो का सूट विकसित किया जो जवानों को रासायनिक और परमाणु हमलों से 24 घंटे तक सुरक्षित रखेगा। एक्टिवेटेड कार्बन फैब्रिक तकनीक पर आधारित ये केमिकल प्रोटेक्टिव सूट देश में पहली बार तैयार हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्व गुरु होने का दम भरने वाला ये देश भारत जीरो डोज चिल्ड्रन में दूसरे नंबर पर पहुंच गया, पहले नाइजीरिया है। ये दिखाता है कि कोरोना से सरकार ने कुछ नहीं सीखा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजातीय विकास निगम ने 180 करोड़ रुपए के घोटाले पर भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। मंत्रियों ने पलटवार करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां दोषियों को पकड़ने के बजाय विपक्ष को निशाना बना रही है। SIT की जांच जारी, ED और CBI से भी जांच की मांग की गई। रेलवे का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ने रचा इतिहास। 7 साल में 84,119 बच्चों को रेस्क्यू किया। 2018 में शुरू हुआ ये अभियान विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर विवाद में, शरद पवार ने प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। पवार ने कहा कि प्रशासन के साथ संवाद का अभाव है और केवल निर्देश दिए जाते हैं। विवाद के बीच खेड़कर के पारिवारिक बंगले के पास अवैध अतिक्रमण भी हटाया गया। आगामी बजट में वित्त मंत्री भारतीय रेलवे के लिए 2.9 से 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है, जो 18 से 19% की बढ़त होगी। छोटे शहरों तक रेल नेटवर्क का विस्तार, लेकिन यात्रियों के लिए किराया बढ़ाने की आशंका। क्या बजट में ये नई घोषणा यात्रियों के लिए महंगी साबित होगी? मुंबई हवाई अड्डे पर नौकरी के लिए उमड़ी बेरोजगारों की भीड़ पर भड़की प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर दिया बड़ा बयान। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के 8 करोड़ नए रोजगार के दावे को झूठा करार देते हुए तगड़ा हमला बोला। ध्यान भटकाना बंद करें, युवाओं को नौकरी दें। यूपी के कन्नौज में मोहर्रम जुलूस के दौरान छत का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा। एक किशोर की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। छज्जे पर महिलाएं और बच्चे जुलूस देख रहे थे, तभी वजन बढ़ने से ये गिर गया। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पर विवाद बढ़ा। BKTC ने कानूनी कार्यवाही की धमकी दी। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने मंदिर बनाने का संकल्प दोहराया और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार होने की बात कही। विवाद ने तीव्रता पकड़ ली है। सूरत में ATC की बड़ी कार्यवाही। ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा मारकर 20 करोड़ का कच्चा माल जब्त किया। गुजरात ATC ने रात में इंडस्ट्रियल यूनिट में छापेमारी कर ये बड़ी सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नकली दूध बनाने का खुलासा हुआ, जिसमें रिफाइंड ग्लूकोज और सर्फ से दूध तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1400 लीटर नकली दूध गड्ढे में बहाया और 15 किलो सर्फ, 150 लीटर ग्लूकोज और 15 लीटर रिफाइंड जब्त किया। दिल्ली NCR में सप्लाई होने वाला ये सफेद जहर रोक दिया गया। सभी सैंपल जांच के लिए भेजे गए। चीन में शॉपिंग मॉल में भयंकर आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं। 14 मंजिला हाईटेक इमारत के शॉपिंग सेंटर में आग से धुआं फैल गया। आग का कारण और बिल्डिंग में लोगों की संख्या अज्ञात है, जांच जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।